आज हम लोग सेमेस्टर 6 के इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जैव विविधता एवं जैव विविधता का महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता से आशय जीवों की उस विविधता और संख्या से है जिसमें पौधे और पशु दोनों सम्मिलित होते हैं। किसी भी क्षेत्र में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की संख्या जितनी अधिक होती है उस क्षेत्र को जैव विविधता के दृष्टि से उतना ही अधिक संपन्न माना जाता है। सृष्टि में लंबे समय तक चलने वाली विकास की जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जैव विविधता अस्तित्व में आई। जैव रूपों में असीम विविधता जीवन का विशेष लक्षण होती है। जैव विविधता शब्द ज़्यादा पुराना नहीं है। जैविक विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 ईस्वी में वन्य जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी रेमंड एफ डैसमैन ने किया था। 1980 के दशक में रॉबर्ट ई जेनकिंस, थॉमस लवजॉय आदि संरक्षण वैज्ञानिकों ने अमेरिका में प्राकृतिक विविधता के स्थान पर जैविक विविधता शब्द के प्रयोग की वकालत की थी। इस पद के वर्तमान रूप जैव विविधता का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में डब्ल्यू जी रोसिन ने किया था। 1988 में सामाजिक जीव विज्ञानी ई ओ विल्सन ने सर्वप्रथम किसी प्रकाशन में इस शब्द का प्रयोग किया। तब से वैज्ञानिक एवं सरकारी स्तर पर यह शब्द सामान्य रूप से प्रयुक्त हो रहा है। जैव संपदा को व्यक्त करने का यह बृहद आधार वाला शब्द है। जैव विविधता की परिभाषा निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी जटिलता जैव विविधता कहलाती है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई थी। विभिन्न स्रोतों के जीवों में विविधता और जिनके वे भाग हैं वहाँ की पारिस्थितिकी जटिलता, प्रजातियों में तथा पारिस्थितिकी तंत्र में जो विविधता है वह जैव विविधता में सम्मिलित होती है। वस्तुतः जैव विविधता एक गतिशील प्रक्रिया है जो आनुवांशिक तत्वों के बढ़ने से बढ़ती है तथा उनके घटने से घटती है। यदि किसी क्षेत्र विशेष में किसी भी कारण से उपलब्ध प्रजातियों की संख्या में कमी आती है तो जैव विविधता में कमी आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैव विविधता एक ऐसी अवधारणा है जो सभी जीव जंतुओं के मध्य पारस्परिक संबंध को दर्शाती है तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। यहाँ हम लोगों ने अभी तक जैव विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ और जैव विविधता की परिभाषा किस प्रकार दी गई है, तो इसे हम लोग एक बार पुनः दोहराते हैं। जैव विविधता शब्द बहुत पुराना शब्द नहीं है। ऐसे जैव विविधता जिसे जैविक विविधता के नाम से सर्वप्रथम 1968 में वन्य जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी रेमंड एफ डैसमैन ने किया था। रेमंड एफ डैसमैन ने 1968 में जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था। परंतु आज जो हम लोग देखते हैं जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में डब्ल्यू जी रोसिन ने किया था। यानी जैव विविधता शब्द का प्रयोग वर्तमान समय में सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में डब्ल्यू जी रोसिन ने किया था। जैव विविधता जो शब्द है इसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी जटिलता जैव विविधता कहलाती है। अब हम लोग आगे जैव विविधता के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैव विविधता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता का जहां पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से विशेष महत्व है, वहीं मनुष्यों के लिए भी इसका
महत्व कम नहीं है। हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जीव जंतु, वृक्ष और लताएं, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव, विषाणु या जीवाणु यानी बैक्टीरिया या वायरस, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैव विविधता जितनी अधिक होती है, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही बेहतर और व्यापक आधार वाला होता है। इसका लाभ पर्यावरण को भी मिलता है। जैव विविधता भोजन, दवाओं एवं अन्य उस सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है जिसका प्रयोग हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। यदि यह कहा जाए कि मानव का अस्तित्व ही जैव विविधता पर निर्भर है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आहार से लेकर औषधि तक तथा प्रायः जीवन के हर क्षेत्र में हमारी निर्भरता जैव विविधता पर बनी हुई है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं जैव विविधता का महत्व सिर्फ पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैविक संसाधन ही मानव जीवन का आधार है और इनसे परे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे में हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम जैव विविधता को संरक्षित कर उनके ह्रास को रोकने का प्रयास करें।